मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ समीर चौहान, आई वेलकम यू इन सनराइज एजुकेशन अकेडमी समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था टेन एक्स के बारे में, टेन एक्स की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, मतलब प्रांत क्या होती है और परिसर क्या होती है और उसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, और कॉस एक्स का रूल जो था इसमें कैसे काम आता है जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, और टेन एक्स जो है कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा वो अपन ग्राफ से कैसे देखते हैं, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे फोर्थ फंक्शन, जो कि नाम है, जो कि है अपना एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स, तो पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे कोट एक्स, कोट एक्स, ओके। तो ध्यान देना, कोट एक्स बेसिकली होता क्या है, कोट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा कॉट एक्स इक्व टू क्या है, कॉट एक्स इक्व टू है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो टेन एक्स में क्या होता था, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखते थे और वहाँ पे क्या लिखते थे, कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉस एक्स की वैल्यू मान लो कुछ भी हो लेकिन साइन एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो कॉट एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड या फिर अपरिभाषित हो जाएगा या फिर अनंत वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, साइन एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए वो भी किस पे डिपेंड है, वो है एक्स पे डिपेंड, मतलब साइन एक्स जीरो कब नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू क्या अपन को नहीं लेनी है। तो जब अपन ने साइन एक्स का ग्राफ डोमेन रेंज जब अपन ने पढ़ी थी उस क्लास में, तब हमने बताया था कि साइन एक्स जो है वो कब जीरो होता है, मतलब एक्स किस वैल्यू पे जीरो होता है, तो वो वाली वैल्यू अपन को नहीं लेनी। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि साइन एक्स विल बी जीरो एट एंगल्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई का एन मल्टीपल, मतलब एन पाई पे क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा, जीरो होगा। एक्स की वैल्यू अगर मैं पाई का एन मल्टीपल, मतलब एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर, ठीक है, वो अगर मैं लूँ तो साइन एक्स मुझे क्या देगा, वैल्यू जीरो देगा, ठीक है। मतलब साइन एक्स क्या था, वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ होगा, मतलब पहले तो जीरो पे, फिर पाई पे, फिर टू पाई, फिर वापस थ्री पाई पे, फिर फाइव पाई, फोर पाई, फिर फाइव पाई, फिर सिक्स पाई, इस तरह से चलेगा मतलब। और अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज चल रहा था, अगर मैं क्लॉक वाइज चलूँ तो जीरो पे, फिर माइनस पाई, फिर माइनस टू पाई, फिर माइनस थ्री पाई, माइनस फोर पाई, इस तरह से। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो एन क्या हो रहा है, बेसिकली इंटीजर, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई का अगर इंटीजर मल्टीपल ले लूँ, मतलब एन पाई अगर नाम लूँ, एन पाई, और एन यहाँ पे क्या नाम दूँ, इंटीजर अगर नाम लूँ, तो एक्स की वैल्यू अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होगी तब साइन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब बेसिकली अगर मेरे को ध्यान दें तो यहाँ पे मतलब एक्स मेरे को क्या नहीं लेना है, साइन एक्स को जीरो नहीं करना, मतलब एक्स मेरे को क्या नहीं लेना है, एक्स मेरे को एन पाई नहीं लेना है, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होती है, पूर्णांक संख्या है, क्या होती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या क्या आता है, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक सारी संख्या है। तो एक्स बेसिकली यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, एन पाई नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे एन क्या है, इंटीजर, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरे को पाई का मल्टीपल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉट एक्स के डोमेन की। तो ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे कि डोमेन ऑफ कॉट एक्स, मतलब क्या हो जाएगा कि कॉट एक्स की प्रांत, कॉट एक्स की प्रांत वो कितनी होती है, ध्यान देना। अब प्रांत या फिर अगर डोमेन की बात करूँ तो वो किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है एक्स पे, लेकिन एक्स को अब मेरे को क्या नहीं लेना है, एन पाई नहीं लेना, बाकी सब कुछ ले सकता हूँ। तो बाकी सब कुछ का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, मतलब आर में से अगर मैं एन पाई हटा दूँ तो वो सब ले सकता हूँ। तो इसकी डोमेन या फिर प्रांत की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एन पाई, ठीक है, ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है।
तो यहाँ पे डोमेन ऑफ कॉर्टेक्स या फिर कॉर्टेक्स की डोमेन या फिर कॉर्टेक्स की प्रांत क्या हो जाएगी, आर माइनस एन पाई। ओके चलो अब बात करते हैं, ये मैं ग्राफ में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेंज ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की जो है वो रेंज या फिर परिसर क्या होगी, रेंज ऑफ कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कॉर्टेक्स की परिसर, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कॉर्टेक्स की जो परिसर होती है वो होती है ऑल रियल नंबर, या फिर अगर मैं बात करूँ ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ तो क्या होगी, माइनस अनंत टू अनंत तक सारे नंबर होती हैं कॉर्टेक्स की परिसर, जो कि टेन एक्स की भी होती है। अब कैसे होती है वो मैं आपको ग्राफ बना के बताऊँगा, ठीक है, तो ध्यान देना। तो कॉर्टेक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो अच्छे से समझ, जब आप ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफ आपने पढ़ लिया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि होगा नहीं, सब कंसेप्चुअल हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो अपना चैप्टर का नेम है, वो जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बहुत काम आएगा और आपको इजी लगेगा। ओके तो ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ले लिया मैंने जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, तो ले रहा हूँ एंगल, मतलब एक्स की वैल्यू, कॉर्टेक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में एक्स यहाँ पे क्या है, एंगल है, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एंगल लूँगा। तो यहाँ पे पहला लिख रहा हूँ चलो पाई बाई टू, फिर पाई, फिर थ्री पाई बाई टू, फिर टू पाई, फिर फाइव पाई बाई टू एंड सो ऑन आगे तक चलता रहेगा। इधर भी ले लेता हूँ तो माइनस पाई बाई टू, फिर माइनस का पाई, फिर माइनस थ्री पाई बाई टू, फिर टू पाई, फिर आगे तक चलता रहेगा, मतलब माइनस फाइव पाई बाई टू आगे चलता रहेगा। यहाँ पे ले लेता हूँ चलो मैं वन टू थ्री एंड सो ऑन आगे तक चलता रहेगा। यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन आगे तक चलता रहेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, अपन को पता है कि कोई भी चीज़ जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। तो ध्यान देना, ध्यान देना कि कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है कि सर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है। अब मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या रखूँगा, जीरो डिग्री एंगल, तो कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू तो चलो वन होगी और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, मतलब क्या हो गया कि कॉस जीरो तो वन, कॉस जीरो वन हो गया, साइन जीरो कितना होगी, जीरो, मतलब कॉट एक्स जो है जीरो डिग्री पे कहाँ जा रहा है, अनंत पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अनंत पे जा रहा है। ओके जो कि क्या है, अनडिफाइंड है। तो पहले जो अनडिफाइंड वाले जो चीज़ है वो पहले लिख लेते हैं, जैसे अपन ने टेन में किया था, टेन में क्या था कि पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल था, यहाँ पे क्या है पाई का एन मल्टीपल, मतलब पाई वाली जितने भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे क्या होगा, ये कॉटेक्स जो है अनडिफाइंड होगा। तो एन पाई है, एन की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूँगा तो जीरो इंटू पाई कितना हो गया, जीरो, मतलब जीरो डिग्री पे भी ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, जीरो डिग्री पे भी ये क्या होगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर भी मेरे को डॉटर बनाने थे लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेना आप। ओके तो इस पर भी क्या अनडिफाइंड है, टू पाई पे भी क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि टू पाई पाई टू पाई इन सब पे क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स जीरो हो जाएगा, साइन एक्स जीरो हो गया मतलब अनडिफाइंड या फिर अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब अनंत वैल्यू देगा। तो जीरो पे क्या वैल्यू देगा अपन को, अनंत देगा, पाई पे भी क्या देगा, अनंत देगा और टू पाई पे भी क्या देगा, अनंत देगा। ओके तो जीरो पे जब मैंने चेक किया तो जीरो जब मैंने एंगल डाला तो वैल्यू कहाँ पर पहुँची हुई है, अनंत पे, मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा कहीं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके और अगर मैं जीरो से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे अगर मैं पाई बाई टू की तरफ आऊँ, जीरो से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे पाई बाई टू की तरफ आऊँ तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, मतलब जीरो पे तो अनंत है, अनंत से अब क्या होगा, डिक्रीज होगा, अनंत से अगर मैं धीरे धीरे आगे चलूँगा तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है वो देखना, तो कैसे देंगे, जीरो से अगर मैं पाई बाई टू तक आ रहा हूँ तो ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ध्यान देना। वो कैसे निकालेंगे, अपन फंक्शन में वैल्यू रख के। तो अब देखो कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके अब
कॉट जीरो पे देख ली मैंने, अब पाई बाय टू पे देखता हूँ तो क्या लिखूँगा, कॉस पाई बाय टू अपॉन साइन पाई बाय टू। तो कॉस पाई बाय टू तो होता है ज़ीरो और साइन पाई बाय टू कितना होता है वन। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करूँ ग्राफ की तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अनंत से, और पाई बाय टू यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर क्या था पाई बाय टू। तो पाई बाय टू पर बेसिकली क्या हो रहा है, वापस जीरो बन जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली जीरो से अगर मैं पाई बाय टू तक जाऊंगा तो ये अनंत से ये कहाँ पे आएगा, अनंत से चलता हुआ कहाँ पे आएगा, जीरो पे आएगा। मतलब पाई बाय टू पर ये जीरो वैल्यू गेंद करेगा। ओके तो ध्यान दो ऐसे, तो जीरो पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट कहाँ से होगा, अनंत से, पॉजिटिव अनंत था तो ये पॉजिटिव अनंत से स्टार्ट हुआ। और पाई बाय टू की तरफ मैं जब बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाय टू पे इसने जीरो दे दिया। मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते हुए यहाँ पे पाई बाय टू तक क्या दे देगा, जीरो वैल्यू। मतलब ग्राफ कैसे चलेगा, इस तरह से चलेगा, यूँ नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, और पाई बाय टू पे क्या दे देगा, वैल्यू जीरो दे देगा, डिक्रीज होता होता चलेगा। ठीक है, मतलब जीरो पे कुछ वैल्यू दी, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो कुछ वैल्यू होगी अनंत से, कुछ कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होते 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 जैसे ही मैं पाई बाय टू तक आऊँगा तो ये पूरी कम होते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगी, सीधी जीरो वैल्यू दे जाएगा। ओके, अब अगर मैं पाई बाय टू से पाई पर अगर जाऊँ, पाई बाय टू से अगर मैं पाई पर जाऊँ तो मुझे ग्राफ क्या मिलेगा, लेकिन पाई पे मुझे क्या है कि अनंत वैल्यू मिलेगी, अनडिफाइंड है, मतलब अनंत वैल्यू मिलेगी। अब ग्राफ किधर जाएगा वो देखते हैं, तो ध्यान देना। अब बात करते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू किधर जाए, पाई पर जाए, कहाँ से, पाई बाय टू से चलते हुए आगे पाई तक जाए। पाई बाय टू तक तो मैं ग्राफ को लेके आ गया, अब पाई बाय टू से आगे पाई भी तो है, जहाँ पे ये डॉटेड बना हुआ अनडिफाइंड है, पाई पे मुझे पता है अनंत वैल्यू देगा, लेकिन ग्राफ क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसा होगा, ये अपन को देखना है। तो अब क्या करेंगे, अगली वैल्यू डालेंगे पाई। तो मैं अगर कॉट पाई वैल्यू डालता हूँ तो क्या लिखूँगा, कॉस पाई अपॉन साइन पाई, क्या डालूँगा, कॉस पाई अपॉन साइन पाई। और कॉस पाई जो देखो, कॉस पाई क्या होता था, कॉस क्या था, कॉस पाई पे क्या होता था, माइनस वन होता था, कॉस पाई पे क्या होता था, माइनस वन। क्यों, देखो कॉस बेसिकली था क्या, एक्स कोऑर्डिनेट होता था, लिखते थे ना कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। ओके, तो कॉस एक्स क्या था, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे पाई एंगल पे ये क्या दे रहा है मेरे को, माइनस वन दे रहा है। मतलब पाई पे कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, माइनस वन। और साइन पाई, साइन पाई क्या था, वाई कोऑर्डिनेट, साइन पाई क्या था, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं इधर आऊँगा तो एक्स पे वाई क्या होता है, जीरो, तो साइन एक्स क्या दे दिया मेरे को, साइन पाई पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कितनी वैल्यू देगा, माइनस वन अपॉन जीरो, मतलब माइनस अनंत। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि कॉट पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस अनंत, क्या होती है, माइनस अनंत। तो क्या हुआ, पाई बाय टू पे जीरो थी, पाई पे जब गया तो कितना दे रहा है मेरे को, माइनस अनंत। मतलब क्या होगा, अब ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज कितना होगा, माइनस अनंत तक जाएगा। तो जीरो से और आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ते हुए, बढ़ते डिक्रीज होते हुए, डिक्रीज होते हुए कहाँ तक जाएगा, पूरा अनंत तक। तो ध्यान दो कैसे जाएगा, तो पाई बाय टू पे तो जीरो तो आ गई, अब पाई पे कितना दे रहा है, माइनस अनंत। तो यहाँ पे जीरो है कॉट एक्स की वैल्यू, ठीक है, इसका ग्राफ जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो वैल्यू दे रहा है। अब पाई बाय टू से जब मैं धीरे धीरे पाई की तरफ बढ़ूंगा तो ये क्या होगा, और डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज होते हुए यहाँ पे जीरो पे आ गया। अब और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो जीरो से भी और कम हो जाएगा, जीरो से फिर नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाने लगेगा, तो नेगेटिव में, और जब पाई पे पहुंचूंगा तो सीधा माइनस अनंत तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इतना कम हो जाएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इस तरह से ये डिक्रीज होगा यूँ, ठीक है, और पाई पे जब मैं जाऊंगा तो ये पूरा क्या दे देगा, इस तरह से अनंत वैल्यू दे देगा। तो बेसिकली मेरा ग्राफ कैसे जा रहा है, यूँ करके आ रहा है, ठीक है, और ऐसे मुड़ जा रहा है, मतलब अनंत से लेके माइनस अनंत तक जाके ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या होती थी कि किसी भी फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है, उसके बीच की वैल्यू वो क्या होती थी, रेंज होती थी, मतलब। ओके, तो कॉट एक्स की जो वैल्यू, अगर मैंने हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, और लोएस्ट वैल्यू कितनी जा रही है, माइनस अनंत। किसी भी नंबर का हाईएस्ट अगर मैं नंबर बात करूँ तो वो अनंत हो सकता है, और लोएस्ट की अगर बात करूँ तो वो क्या हो सकता है, माइनस अनंत ही होगा। कोई भी नंबर अगर हाईएस्ट की अगर बात करूँ तो अनंत कहलाता है, और लोएस्ट नंबर की बात करूँ तो नेगेटिव में जाएंगे, और नेगेटिव में माइनस अनंत। तो ये फंक्शन भी क्या हो रहा है यहाँ पे,
कि हाईएस्ट में तो अनंत तक जा रहा है और लोएस्ट में माइनस अनंत तक, तो इसकी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर जो कि क्या होता है माइनस अनंत से अनंत तक की सारी संख्याएं। ओके, अब बोलोगे सर और ग्राफ, तो बाकी जो ग्राफ है वो इसी पैटर्न में बनेंगे। अब पाई से जैसे यहाँ से अब ये इस तरह से डिग्रीज बन रहा था, अब यही पैटर्न वापस इसमें भी बनेगा। अगर मैं पाई से और आगे बढ़ूँ, चलो पाई से टू पाई के बीच वाला भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो अभी हम कहाँ गए थे, पाई बाय टू से पाई पर गए थे, एक्स की वैल्यू क्या जा रही थी पाई बाय टू से पाई पर गए, तो क्या हुआ था कि जीरो से अनंत तक चला गया था। अब मैं जा रहा हूँ पाई से थ्री पाई बाय टू पर, क्या असर हो रहा है, मतलब डिपेंड किस पे करेगा, ध्यान देना। देखो तो देखो कॉट, अब क्या कर रहा हूँ मैं कि पाई से थ्री पाई बाय टू, तो पाई पे तो कितना दे रहा है मेरे को, पाई पे वैल्यू दी मेरे को माइनस अनंत। अब अगर मैं कॉट थ्री पाई बाय टू पे चेक करूँ, मतलब पाई से थ्री पाई बाई टू में ग्राफ की चेंजेस क्या, वैल्यू जो है वो क्या चेंज ला रही है, माइनस अनंत से और पीछे जा रही है या फिर कम हो रही है, क्या हो रहा है, ये अपन को देखना है। तो क्या करूँगा, अगर मैं वैल्यू रखूँ कि कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ओके, अब कॉस किस पे वैल्यू चेक करनी है, थ्री पाई बाई टू पे, तो कॉस थ्री पाई बाई टू अपॉन साइन थ्री पाई बाई टू। अब ध्यान दो कॉस थ्री पाई बाई टू क्या होता है, कॉस थ्री पाई बाई टू क्या होता है, कॉस थ्री पाई बाई टू मतलब कि ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो है थ्री पाई बाई टू पे कितनी वैल्यू देगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो थ्री पाई बाई टू पे मुझे जीरो वैल्यू देगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, ये तो था कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, और ये वाला एंगल यहाँ पे कितनी वैल्यू देगा, ये वाला क्या होता था थ्री पाई बाई टू। अगर मैं इस पॉइंट को मूव करके यहाँ पे लेके आऊँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे जीरो कॉमा माइनस वन मिलता है, क्या मिलता है जीरो कॉमा माइनस वन। ओके, तो कॉस एक्स या फिर कॉस थ्री पाई बाई टू कितना होगा, जीरो डिवाइडेड बाई साइन एक्स, साइन थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू यहाँ पे देखो कितनी दे रही, माइनस वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये माइनस वन, और जीरो अपॉन माइनस वन, जीरो अपॉन कुछ भी क्या होता है वापस जीरो हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें कि अगर मैं पाई से थ्री पाई बाई टू में जाऊँगा तो ग्राफ क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, वापस कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो ध्यान दो थ्री पाई बाई टू पे इसने क्या वैल्यू दे दी, थ्री पाई बाई टू पे इसने वैल्यू कितनी दे दी, जीरो दे दी, और मुझे पता है कि जब मैं एन पाई में जाऊँगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तब तो मुझे अनंत वैल्यू दे रहा है, पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई सब पे मुझे क्या देगा, अनंत वैल्यू देगा। तो मतलब पाई पे क्या है, यहाँ से अनंत से आएगा और डिक्रीज होते हुए कहाँ तक जाएगा, जीरो पर, इस तरह से यहाँ पर आएगा। अब थ्री पाई बाई टू से टू पाई पर जब मैं जाऊँगा तो वापस कहाँ होगा, नेगेटिव में जाने की कोशिश करेगा, वापस ये डिक्रीज हो गई इस तरह जाएगा, तो ये अपना ये वापस ये पैटर्न बन जाएगा और यही पैटर्न आगे फॉलो होता रहेगा। सिमिलरली आगे भी क्या होगा, यहाँ से आएगा अनंत से टू पाई बाई अनंत होगा ऊपर, ठीक है, फिर क्या होगा फाइव पाई बाई टू पे जीरो हो जाएगा और फिर ये आगे चलता जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव में भी क्या होगा, माइनस पाई पे ये आएगा अनंत, अनंत पे आएगा, फिर माइनस पाई बाई टू पे ये जीरो हो जाएगा, फिर वापस कहाँ चला जाएगा, इस तरह से ये अनंत पे चला जाएगा, फिर वापस टू पाई पे भी अनंत पे होगा, ठीक है, फिर माइनस थ्री पाई बाई टू पे जीरो पे आएगा। ओके, माइनस थ्री पाई बाई टू पे जीरो पे आएगा और फिर आगे जब मैं बढ़ूँगा तो ये क्या होगा, वापस ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बनता है कॉट एक्स का ग्राफ। अब अगर बात करें कि सर कॉट एक्स जो है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो वो देखो ग्राफ से अपन कैसे पता चलाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर देख लो कि रेंज, अब रेंज या फिर डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, लेकिन क्या छोड़ना है मेरे को, ये जो मैंने डॉटेड कर रखे हैं ये मेरे को छोड़ना है। इसका मतलब क्या है कि इन वैल्यू पे जो है वो फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, इस वैल्यू पे वैल्यू क्या दे रहा है, फंक्शन अनंत दे रहा है, ठीक है। तो टू पाई पाई माइनस पाई माइनस टू पाई, ठीक है, इस तरह से माइनस थ्री पाई, और इस तरह से चले जाएंगे तो प्लस का एन पाई, इस तरह से चले गए तो माइनस का एन पाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एन पाई, और एन को मैंने डिफाइन कर दिया, एन क्या है कि यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे। ओके, तो आर मेरे को क्या लेना है, आर आर में से अगर मैं ये एन पाई की वैल्यू अगर मैं हटा दूँ तो ये हो जाएगी मेरे कॉट एक्स की
डोमेन क्या हो जाएगी, कॉट एक्स की ये डोमेन हो जाएगी। अब बात करता हूँ रेंज की, तो रेंज क्या होती थी कि हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू तक। तो रेंज देखो यहाँ पे रेंज क्या हो रही है कि यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी गेन कर रहा है, यहाँ पे जो भी ग्राफ बना हुआ है इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू ही अनंत तक जा रहा है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है माइनस अनंत तक जा रहा है। तो माइनस अनंत से अनंत तक को मैं क्या बोलता हूँ, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। ओके तो अब बात करते हैं कि कॉट एक्स जो है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो क्या बनाते हैं, देखो क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये होता था अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता था सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता था थर्ड और ये होता था फोर्थ। ये होता अपना 0 डिग्री, ये अपना पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री, ये अपना पाई या फिर 180 डिग्री। पाई ये सब क्या होते हैं, ये तो अपने रेडियन में होते हैं। ओके और ये कितना होता था 3π/2 रेडियन या फिर 270 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 2π रेडियन या फिर 360 डिग्री। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से है, 0 से लेके π/2। तो 0 से लेके π/2 में देखो ग्राफ कहाँ है, ऊपर है, मतलब पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, ये प्रूफ भी हो रहा है देखो। फिर π/2 से π में आए, तो π/2 से जब अपन पाई में गए तो ग्राफ कहाँ है, नीचे की तरफ है, मतलब क्या है नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो कॉट जो है वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट जो कि होता है पाई से 3π/2 के बीच में, तो जब मैं पाई से 3π/2 में जब ग्राफ देख रहा हूँ तो वो ग्राफ है ये रहा, ठीक है। तो ये वाला कहाँ है, ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। टेन भी यहाँ पर पॉजिटिव होता था और टेन का उल्टा जो है कॉट एक्स वो भी क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव। अब अगर बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि होता है 3π/2 से 2π के बीच में, तो 3π/2 और 2π के बीच में ये कहाँ जा रहा है ग्राफ, नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में वापस पॉजिटिव और फोर्थ में वापस क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो टेन एक्स और कॉट एक्स जो है सेम क्वाड्रेंट में सेम साइन देते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके तो अगला जो फंक्शन है अपना, अगला अपन फंक्शन पढ़ते हैं फिफ्थ जो है वो है अपना sec x, sec x ओके, जो कि किस पे के इक्वल होता है 1/cos x। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे cos x क्या नहीं होना चाहिए, cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर cos x 0 हो गया तो मुझे ये sec x की वैल्यू क्या दे देगा, अनंत या फिर अनडिफाइंड या फिर अपरिभाषित हो जाएगा। तो x क्या नहीं होना चाहिए, cos x 0 होने के लिए क्या होता था कि x इक्वल टू क्या होता था कि π/2 का ऑड मल्टीपल पे cos x 0 हो रहा था। तो x अगर मैं 2n+1 × π/2, मतलब 2n+1 π/2 अगर मैं ये ले लेता हूँ तो मेरा ये sec x जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, तो मुझे ये क्या होगा, ये नहीं लेना है। जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू ये e जो है मैंने बताया था जब अपन ने फंक्शन फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। ओके तो ये कंडीशन होती है sec x के लिए कि x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ये जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा। ओके तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके तो अगर हम sec x के डोमेन या फिर प्रांत की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा कि डोमेन ऑफ sec x, ठीक है, मतलब sec x की प्रांत, तो sec x की प्रांत किस पे डिपेंड करेगी, x पे। और x क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1π/2 तो नहीं होना चाहिए, तो बाकी सब कुछ तो ले सकते हैं, तो बाकी सब कुछ का मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर में से अगर ये चीज़ मैं हटा दूँ, क्या कि 2n+1π/2 ये अगर मैं हटा दूँ तो बाकी सारे नंबर जो हैं वो क्या आ जाएगा मेरे डोमेन ऑफ sec x में या फिर sec x की प्रांत में। ओके तो हमेशा याद रखना डोमेन या फिर प्रांत
किसी फंक्शन की किस पे डिपेंड करती है, उसके वेरिएबल पे। जैसे यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स। तो एक्स पे डिपेंड करेगी कि एक्स की वैल्यू बस अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू चलेगी। तो एक्स की वैल्यू पे ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब अनंत वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो मुझे पता है sec x इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos x, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2 की फॉर्म में, या फिर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 रख दूँ, तो मुझे ये क्या देता है, 0 दे देता है, जिससे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 अनंत बना देगा। तो x की वैल्यू मैं अगर ये ना लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, तब तो ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रियल नंबर में से ये वाले जो नंबर है जो कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल या फिर पाई बाय 2 का विषम गुणांक बोल सकते हैं, वो अगर मैं हटा दूं तो वो मुझे क्या दे देगा, डोमेन ऑफ sec x या फिर sec x की प्रांत। चलो अब बात करते हैं रेंज की। तो ध्यान देना, रेंज ऑफ sec x मतलब sec x की परिसर। अब ये क्या होती है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान देना, ओके। तो ध्यान दो, sec x की रेंज या फिर sec x की परिसर की अगर बात करें तो वो क्या होती है कि sec x जो है वो क्या वैल्यू ले सकता है। तो मुझे पता है कि sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos x। तो मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि cos x जितना जाएगा उसका इन्वर्स, उसका उल्टा जो होगा, उसका प्रतिलोम जो है वो sec x की वैल्यू देगा। तो मुझे पता है कि cos x की रेंज, cos x जहाँ तक जाएगा उस पर डिपेंड करेगा sec x। तो cos x मुझे पता है उसकी रेंज कितनी होती है, ये जाता है सिर्फ -1 और 1 तक जाता है, मतलब -1 से लेके 1 तक के बीच की सारी वैल्यू को ये गेन कर सकता है, -1 भी लेना है और 1 को भी लेना है, उसके अलावा ये कहीं नहीं जाता। तो अगर मैं बात करूँ तो cos x अगर मेरे को -1 ही दे रहा है, डायरेक्ट -1 ही दे रहा है, तो मिनिमम वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, ओके। तो अगर sec x की रेंज की अगर बात करें तो वो डिपेंड कर रहा है cos x पे, और cos x की रेंज जो है वो -1 से 1 तक हो सकती है। तो अगर मैं कुछ ले लूँ, रेंज ले लूँ, अगर cos की वैल्यू के डिपेंड करके अगर रेंज निकालनी चाहूँ sec x की, तो देखो अगर मान लो cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू एग्जैक्टली -1 है, तो मुझे यहाँ से sec x क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 अपॉन cos x होता है, तो 1 अपॉन -1 क्या देगा मुझे, -1 देगा, ठीक है। और अगर मान लो cos x की वैल्यू जो है, cos x की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में, तो -1 से अगर 0 के बीच में अगर मान लो कोई नंबर ले लेता हूँ, ध्यान दो, देखो अगर मैं cos x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, जैसे मान लो -1/2 भी बोल सकता हूँ, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ इस 2 को, तो क्या बन जाता है, -2। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं cos x की वैल्यू 0 के नज़दीक लेके जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, पहले तो -1 पे तो एग्जैक्टली कितनी थी, -1 थी, ठीक है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इससे 0 के नज़दीक लेके जा रहा हूँ, मतलब cos x की वैल्यू अगर 0 की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये क्या दे रहा है, पूरा sec x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, sec x कहाँ तक जा रहा है, माइनस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब माइनस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब माइनस अनंत की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पहले -1 फिर -2 फिर और भी तो छोटी छोटी वैल्यू होगी, जैसे 0.005, ठीक है, और भी तो नंबर होंगे, नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर होते हैं। तो क्या होगा बेसिकली अगर देखा जाए तो और धीरे धीरे बढ़ेगा, और धीरे धीरे बढ़ेगा, और कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, -अनंत तक, मतलब -1 से अगर 0 तक मैं जाऊँ तो sec x की वैल्यू मुझे मिलती है, मतलब अप टू इन्फिनिटी तक मिलती है मुझे, क्या मिलती है, अप टू इन्फिनिटी, मतलब -1 से अगर 0 तक मैं जाऊँ तो मुझे अप टू इन्फिनिटी देता है। और अगर मैं 0 से लेके एग्जैक्टली 0 ले लूँ cos x, एग्जैक्टली मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो मुझे क्या देता है, cos x अगर मैं एग्जैक्टली अगर 0 लूँ, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है, तो 0 भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, cos की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं एग्जैक्टली 0 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन 0, जो कि कितना होता है, अनंत। अब चलो 0 पे अनंत दे दिया, अब अगर मैं cos x की वैल्यू 0 से 1 के
माइनस वन से जीरो तक तो मैं आ गया, माइनस वन से जीरो तक आ गया, फिर जीरो पर भी देख ली, जीरो से अब वन तक देखते हैं। अगर जीरो से वन के बीच में कोई वैल्यू लूँ, तो जीरो से वन के बीच में अगर मैं वैल्यू डालूंगा, जैसे मान लो मैं ले लिया हाफ, क्या ले लिया हाफ, तो ध्यान देना कि कॉस एक्स इक्वल टू लिया मैंने हाफ, तो सेक एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा कि वन अपॉन टू, मतलब टू दे रहा है, क्या दे रहा है टू। तो अनंत से ये क्या वापस हो रहा है, अनंत से डिक्रीज होते हुए वापस दिया टू, और अगर मैं ले लूँ कॉस एक्स की वैल्यू वन ही ले लूँ सीधा, तो क्या मिल रही है मुझे वापस, कितना दे रहा है ये कॉस एक्स वन, मतलब वन अपॉन वन, सेक एक्स कितना दिया, सेक एक्स मुझे दिया वन अपॉन वन इक्वल टू वन। मतलब क्या हो रहा है कि माइनस वन पे तो माइनस वन दी, माइनस वन से जीरो के बीच में ये पहुँच रही है माइनस अनंत तक, फिर माइनस, ठीक है, फिर जीरो से मैं अगर बात करूँ आगे, तो वो मुझे दे रहा है जीरो पे, दे रहा है कितना, जीरो पे कॉस, जीरो पे मुझे दे रहा है अनंत, ठीक है। और अगर मैं कॉस एक्स को वन लूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, वन दे रहा है, ठीक है, ठीक है। और जीरो से अगर वन के बीच में अगर बात करूँ, तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये वापस डिग्रीज हो गई, कहाँ तक जा रही है, वापस वन तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस वन से वन के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, तो वैल्यू कभी ये जीरो दे ही नहीं रही है, तो मतलब माइनस वन से माइनस अनंत और अनंत से वन, ये यहाँ पर ही रेंज इसकी लाई कर रही है, ठीक है। जीरो वैल्यू दे नहीं रहा, हाफ वैल्यू दे नहीं रहा, ठीक है। सेक एक्स फंक्शन की बात करूँ, कॉस एक्स तो दे रहा है, लेकिन सेक एक्स जो है उसका उल्टा हो रहा, वो नहीं दे रहा। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, तो रेंज इसकी हो जाएगी कि माइनस अनंत से माइनस वन, माइनस वन तो दे रहा है, और क्या हो जाएगा कि वन से अनंत, ये हो रहा है, यही वैल्यू मुझे मिल रही है। और तो जीरो को ही मिल रहा है कि जीरो मुझे सेक एक्स मिल ही नहीं रहा, क्योंकि कॉस एक्स मुझे जीरो कहीं दे नहीं रहा, ठीक है। कॉस एक्स अगर जीरो देता भी है तो मुझे ये अनंत पहुंचा देता है, इस पूरे की वैल्यू जीरो हो ही नहीं रही, ठीक है। तो माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू सेक एक्स की नहीं आएगी, ओके। तो यही होती है रेंज, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे इसका ग्राफ। तब तक के लिए आप क्या करोगे, रिवीजन। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवीजन, ओके। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ग्राफ से और क्लियर बताऊंगा मैं, ओके, थैंक यू।